प्रातःवंदन बच्चों, आज हम श्रेयमुषि द्वितीयो भागा दशम वर्ग आय संस्कृत पाठ पुस्तक हमको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पाठ तृतीया, ठीक है, तो ये पाठ तीन है बच्चों। व्यायाम सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम सदा कल्याणकारी है। ये पद्यम है, यानी पद्य है, सुश्रुत संहिता से है। तो चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको बच्चों, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंदी अनुवाद बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यामा सर्वदा, यानी जो व्याम होता है वो सदा कैसा होता है, कल्याणकारी होता है। थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से उद्धृत है। इसमें आचार सुश्रुत व्याम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रमुखता से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। लाभ बहुत होता है व्यायाम से, इसलिए कहा गया है कि हमको क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। चलिए आइए। व्यायाम सर्वदा पथ्या, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे कि अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग भाव हैं, किस प्रकार से व्यायाम हो रहे हैं। और जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, स्फूर्ति होती है, एक कांति आती है और हमारे शरीर का रक्त संचार अच्छा होता है और हमारा जो मन है वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार व्यायाम के बहुत सारे लाभ है, बहुत से रोग दूर होते हैं, है ना। हमारा जो स्फूर्ति बनी रहती है और कांति, एक चेहरे पे रौनक रहती है। तो इस प्रकार व्यायाम के बहुत सारे लाभ होते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया हुआ है शरीरा यास जननम कर्म व्यायाम संज्ञतम, व्यायाम संज्ञतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्यतः। अनुभव समझी, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्नतः विमृदनीया। शब्दार्थ समझिए, आयास परिश्रम, परिश्रम यानी प्रयत्न, प्रयास श्रम, संगीतम यानी कहा गया है, कथितुम कहना यानी कथितुम, तत्कृत्वा वैसा करके, तथैव कृत्वा वैसा करके, समन्ततः पूरी तरह से, समन्ततः यानी पूरी तरह से यानी सर्वतः, ब्री मृदनीयात मालिश करनी चाहिए, मर्दये मालिश करनी चाहिए। इसके भावार्थ को थोड़ा हम समझेंगे। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर में, ऊर्जा, परिश्रम करते हैं, है ना। तो वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करना चाहिए। तो हमको व्यायाम करते तो हमारे पूरे शरीर की क्या हो जाती है, मालिश हो जाती है, यानी हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार हो जाता है अच्छा। और हमारे जो हम कर्म करते हैं अपने शरीर के माध्यम से, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी को क्या कहा गया, व्यायाम कहा गया है। इस प्रकार से हमारे शरीर को अच्छा और तंदुरुस्त होने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और वैसा ही करके सुखी शरीर की पूरी तरीके तरह से मालिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से व्यायाम के लाभ भी बहुत होते हैं।
प्रकार बच्चों हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए और सुगठित बनाए रखने के लिए हमको व्यायाम करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। शरीरो पचय कांति गर्त्राणाम सुभि सुविभक्तता दीप्ताग्नित्व मना लस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अन्वय समझिए। शरीर उपचय गात्राणाम कांति सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थवर स्थिरत्वम लाघवम रजा। शब्दार्थ समझिए। उपचय वृद्धि, वृद्धि अर्थात अभिवृद्धि, गात्रम शरीर ऑब्लिक अंग यानी शरीरम या अंगम, कांति चमक आभा, सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य शारीरिकम सौष्ठवम, दीप्ताग्नित्वम यानी जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना है ना, जठराग्नि प्रवर्धनम, अनालस्यम आलस्यहीनता आलस्यहीनता, स्थिरत्वम दृढ़ता यानी दृढ़त्वम, लाघवम यानी हल्कापन लघुत्वम, मृजा स्वच्छकरण स्वच्छीकरणम। भावार्थ समझिए। शरीरोपचय कांति गर्त्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। भावार्थ है व्यायाम करने से, व्यायाम करने से जो शरीर की वृद्धि होती है, अंगों में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि का प्रदीप्त होना यानी जैसे कि अभी इसमें बताया जठराग्नि यानी भूख अच्छी लगती है, आलस्यहीनता और दृढ़ता मजबूती, हमारे शरीर में आलस्य दूर होता है, दृढ़ता आती है, हल्कापन हमारा शरीर क्या होता है एकदम हल्का लगता है, स्वच्छता आती है और साफ सफाई यानी शरीर की स्वच्छता वह भी आती है। किन सब चीज़ों से आती है, जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम व्यायाम करने से क्या होता है शरीर की वृद्धि है ना, तो व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है यानी शरीर हमारा अच्छा हष्टपुष्ट रहता है, हमारे अंगों में हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में क्या आती है चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य यानी हमारा जो शरीर है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, अच्छा एकदम सुगठित दिखाई देता है, जठराग्नि का प्रदीप्त होना जैसे कि इसमें बताया भूख लगना तो हमको भूख भी उससे क्या होती है अच्छी लगती है, आलस्यहीनता दृढ़ता, आलस्य माने हमारी जो हमारे अंदर जो आलसपन होता है ना नीरस हो जाते हैं, दृढ़ता यानी मजबूती अच्छी आती, हल्कापन हमारा शरीर हल्का होता है, स्वच्छता भी आती है। तो इस प्रकार बच्चों जैसे कि हम आपको ये समझा रहे हैं व्यायाम पाठ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें क्या बताया गया है कि व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है वो क्या होता है स्वस्थ रहता है और स्वच्छ रहता है सुंदर होता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हमें हमेशा क्या करना चाहिए व्यायाम करना चाहिए, इसलिए नहीं किस लिए करना चाहिए ताकि हमारे हमारा जो शरीर है वो क्या रहे स्वस्थ रहे। और ये आप सब भी जानते होंगे कि जब हम किसी चीज़ को व्यायाम वगैरह करते हैं और तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है एक स्फूर्ति आती है मजबूती आती दृढ़ता आती है। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए हमें व्यायाम करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा है श्रमक कलेन मपि पाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता।
श्रम क्लम पिपाशोष्ण, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीता दीनाम सहिष्णुता, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीता दीनाम सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परम व्यायामा धूप जायते, आरोग्यम चापि परम व्यायामा धूप जायते। एक बार पुनः दोहरा रही हूं, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीता दीनाम सहिष्णुता। अन्वय समझिए, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदिनाम सहिष्णुता, परम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपजायते। शब्दार्थ समझें, क्लमः थकान, श्रम जनितम शैथिल्यम, पिपासा यानी प्यास पातुम इच्छा, उष्ण गर्मी, उष्ण माने गर्मी यानी तापा, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति यानी सहनशीलता, आरोग्यम निरोगता रोग रहिता यानी रोगों से रहित, उपजायते उत्पन्न होती है, उत्पन्नम भवति। यहां पर बच्चों मैं आपको व्यायाम जब हम करते हैं तो व्यायाम से क्या हमारे शरीर को मिलता है, जैसे कि परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से ही उत्पन्न होती है। परिश्रम की थकान, जैसे कि हम मेहनत बहुत यदि मान लो कर ली है, हमको बहुत थकान लग रही है, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की जो शक्ति है और उत्तम निरोगता भी किस चीज से उत्पन्न होती है, व्यायाम से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार से जो व्यायाम है हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत स्फूर्ति देने वाला, दृढ़ता देने वाला, सहन शक्ति देने वाला और निरोगता देने वाला, ये सारी चीजें किससे आती हैं, व्यायाम करने से ही आती है। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, ना चास्ति सदृशं तेन किंचित किंचित स्थलौ थौल्याभकर्षणम्, किंचित स्थौल्याभकर्षणम् न च व्यायामिनम् मत्यर् मर्दयन्त त्यो यरो बलात्। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ना चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थलौ याभकर्षणम्, स्थलौ ल्याभकर्षणम् न च व्यायामिनम् मर्त मर्दयन्त यरो बलात्। आप देखिए इसका अन्वय हम करेंगे क्या आएगा, तो तेन चा सादृशम स्थौल्य, जैसे ऊपर दिया है किंचित किंचित स्थौल्य आकर्षणम है ना, तो किंचित ना अस्ति, मर्त्यम च व्यायामिनम अर्यह बलात्, दिया ना अंतर्य अर्यह बलात् ना अर्द्यन्ति, ना अर्द्यन्ति। शब्दार्थ समझिए, सादृशम माने होता है समान, समम, स्थौल्यम यानी काफी मोटा, स्थूल यानी मोटे, स्थूलताम आकर्षणम दूर करना यानी कम करना, दूरी करना, मर्त्यम प्रकार से
फिर है अरयः यानी शत्रुगण शत्रवा, अर्दयन्ति कुचल डालते हैं, अर्दनम कुर्वन्ति, बालात बलपूर्वक बलपूर्वकम, व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले को, व्यायामशालिनम भावार्थ समझिए, और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है, और मृत्यु के निकट पहुंचा मरणशील व्यायाम करने वाले को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। ठीक है ना, उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है, और मृत्यु के निकट पहुंचा व्यायाम करने वाले को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। न चैनम सहसा क्रम में जरा समाधि रोहित रोहति स्त्री भवती मासम च व्यायाम भी विरतरस्य च। अनवय समझिए, चैनम व्यायाम अभितरस्य सहसा आक्रम्य जरा समाधि रोहति मासम च स्त्री भवती च। शब्दार्थ समझिए, एनम यानी इसको, इमम अभितस्य तल्लीन रहने वाले का, संलग्नस्य आक्रम्य हमला करके, आक्रमणम कृत्वा जरा होता है बुढ़ापा यानी वार्धक्यम, समाधि रोहती यानी आता है आगच्छति, स्त्री भवती परिपक्व को हो जाता है परिपक्वम भवती, भावार्थ समझिए, और इस व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के अचानक हमला करके बुढ़ापा नहीं आता और मांस परिपक्व हो जाता है, थुल थुल मांस नहीं होता, कहते ना थुल स्थौल्य दिया ने बहुत मोटा, ऐसा नहीं होता, और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता, यानी शरीर आपका क्या रहता है, फिट रहता है एकदम, जैसे कहना स्फूर्ति रहती है, सुगठित रहता है, किस चीज़ से रहता है, व्यायाम से। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने व्यायाम के जो भी फायदे हैं, जो लाभ हैं, वो हमने पढ़े, मैंने आपको ये श्लोक जो यहाँ पर समझाए। अब मैं आपको आगे के जो क्लास में लूँगी, इसके आगे और भी व्यायाम से संबंधित जो भी दिए हुए पद्य उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक बेटा आप इनको पढ़िए और कॉपी में लिखते जाइए। धन्यवाद बेटा।